दस सिंधिया स्कूल का 121वां स्थापना दिवस आयोजित हुआ, जिसमें बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर में सिंधिया घराने के दस सिंधिया के 121वें स्थापना दिवस समारोह में रविवार को मुख्य अतिथि की हैसियत से देश के जाने माने उद्योगपति और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला पहुंचे। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिन्हें सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कुमार मंगलम बिरला ने सराहा। वहीं स्कूल के बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान कुमार मंगलम बिरला ने अपने जीवन की सीख साझा की और उन्होंने जीवन में 5 लर्निंग शेयर किए। वहीं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित करते हुए सफलता का पथ बढ़ाया। इस दौरान बिरला ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, हमारा ग्रुप हर साल एक नया उद्योग स्थापित करता है। हाल ही में नागदा में एक फैक्ट्री स्थापित की गई है। हम हर साल एक नया शहर चुनते हैं। ग्वालियर में भी उद्योग लगाने की संभावनाएं तलाशेंगे। There is only one way to success, and that is to work cohesively and diligently, because battles and tasks are never won or are never complete alone. And therefore, the idea of leadership has to be that it is important to always have your feet on the ground. It's always important to be able to stay humble, be open to diverse opinion, and yes, it is imperative, it is important. That is the essence of being a Bharatiya Nagarik, and that also is the essence मैं पहली बार यहाँ मेरा हुआ ना, एक स्टूडेंट ने यहाँ कहा कि यहाँ की सिंधिया मैजिक है। आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएटली वो इस स्कूल के जो की जो इथॉस है उसको कैप्चर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ना, सोचते रहते हैं, करते रहते हैं एक्सपेंशन सीमेंट में कि हमने एक्सपेंशन फाइबर में कर रहे हैं नागदा में, तो हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेंशन करते रहता है। सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस पर सन 1991 बैच के स्टूडेंट्स का मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। कुल मिलाकर स्थापना दिवस के मौके पर सिंधिया स्कूल की पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।